हाय गाइस दिस इज भरत और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत ट्रेडर्स ट्रस्टेड एकेडमी पे सो गाइस यू ऑल नो दैट ट्रेडर्स इज एकेडमी प्रोवाइड्स यू द education on trading if any people wanted to become a professional trader then we have lot of videos i have made for all of you so guys if you are new or if you are thinking to start your career for the uh, forex trading or in uh, stock indian stock market trading or in crypto trading so all these videos are very very much useful to you so guys, uh, if your first time on my YouTube channel, then make sure that you have subscribed to our YouTube channel. Guys, you can see that our subscribers are rising very quickly. So guys, first of all, I would uh, like to say thank you so much for showing your love. And guys, uh, you you can see this uh, this subscribe button. This uh, subscribe button. Just uh, press this subscribe uh, button and press this icon. So this icon will help you to get notified whenever I will upload the videos on our YouTube channel. So guys in today's video why uh, what we are going to uh, see and or what we are going to learn is we all know that the market are going to uh, open uh, from tomorrow. Today is Sunday so uh, let's discuss a few charts on our MT4. Uh, that uh, how the uh, the market of today can uh, go. So uh, let's see, guys. So guys, currently we are in a Euro USD chart. You can see, and I have given this a signal in our group. I hope you enjoyed it. I just uh, made it uh, sell uh, uh, Euro USD. On this level, on this level, approximate I have uh, given sell. You can check this uh, signal in your, uh, our uh, Telegram VIP channel. So now, now you can see the whole market has just reached uh, here at this level. So this was a, very, a really good profit. Now, uh, what I am thinking for the next Euro USD movement? So uh, let's see or uh, let's uh, the market what will want to do it. सोज इफ वी डू zoom इन अगर हम इसको छोटा करते हैं दोस्तों तो अभी हम लोग देख पा रहे थे कि ये जो है हमारा एक सेमेट्रिकल ट्रैंगल जो है बना हुआ था काफ़ी लॉन्ग टर्म पे और ये जो है हमारा वीकली टाइम फ्रेम से आप देखोगे तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा कि जा, ये जो है हमारा अच्छा खासा सेमेट्रिकल ट्रेंगल बना हुआ था उसके बाद में मार्केट ने जो है हम लोग को एक बार इस जगह पर ब्रेकआउट दिया था आप ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए ये मार्केट ने इस जगह ब्रेकआउट दिया था हम लोगों को उसके बाद में फिर मार्केट जब इसको रीटेस्ट करने के लिए आया तो ये रीटेस्ट नहीं कर पाया इसको ठीक है ना ये एक तरीके ठीक है ये जो है यहाँ तक ये पूरा डाउन आ गया उसके बाद में फिर से यहां पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया है फिर से जब मार्केट ने इस लेवल पे अगेन जब इसको टच किया मार्केट ने रिस्ट टे, रिटेस्ट किया है मार्केट ने उसके बाद ये मार्केट जो है पूरा इस लेवल पे गया है अगर अब आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट एक्चुअली अभी किस स्टेज में है मार्केट जो है अभी दोस्तों आप ये देखो ये जो है मार्केट आपका इस टाइम पर पूरा रेंजिंग बना के चल रहा है ठीक है आप ये देखो ठीक है ये क्लियर क्लियर हम लोग को दिख रहा है कि भाई ये रेंजिंग था तो ये जो सिग्नल देने का हमारा रीज़न था वो ये था कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर आप देखो तो डबल टॉप इसने क्रिएट किया हुआ था ठीक है अब डबल टॉप क्रिएट करने के बाद में फिर इसने रेंजिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पर कन्फर्म किया ठीक है यहाँ पर दो था उसके बाद में तीसरा भी यहाँ पर दिया तो एक तरीके से यहाँ पर फिर ट्रिपल टॉप का भी इसने स्ट्रक्चर पैटर्न जो है कम्प्लीट किया था उसके बाद में ये जो है जब इसने ऊपर में आ गया ऊपर में आने के बाद में फिर हम देखा कि भैया यहाँ पे इस मार्केट ने काफ़ी अच्छा बीरिस रिजेक्शन कैंडल दिया ठीक है मैं थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ अब मैं जी थोड़ा मैं इसको करता हूँ ठीक है आप कोशिश करिए थोड़ा सा इसको देखने की गौर से ये यह देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक जो है अच्छी खासी कैंडल दी थी बियरिस और उसके बाद फिर जो है मार्केट आराम से ये सेल आ गई है ठीक है तो अभी अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इसका नेक्स्ट टारगेट का क्या होगा मार्केट का तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों मार्केट का जो है टारगेट ये फिर से है अपना रेंज का जो एरिया है उसको एक बरअ करने की भरपूर कोशिश करेगा ठीक है तो अब एक जो हम लोग देखा जाए कि एग्जैक्टली exactly क्या मूव होना चाहिए ठीक है क्या मूव होगा तो ये मैं बोलूंगा दोस्तों कि आप इसको मैं थोड़ा देखो अभी जूम कर देता हूँ ठीक है तो आप, आप इसको देखिए आपको लिए क्लियरली विजिबल होगा अभी देखिए अभी क्या आ, कर सकता है आ, मार्केट के पास में क्या दो चांसेस हमेशा रहते हैं तो दो आ, चांसेस में क्या क्या कर सकता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अच्छे से तो मार्केट जो है मोर uh, एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है आपके साथ में ये करेगा लाइक like दिखे अभी जो था यहाँ पे इसने अच्छा खासा कैंडल दिया है ठीक है ये पे देखो मार्केट जो है यहाँ पे एक लास्ट जो कैंडल है वो बुलिश स्टार्ट हुई है अभी देखो uh, जो मार्केट है uh, कल हो सकता है मे बी मार्केट गैप ओपन हो या जो भी हो बट ओवरऑल अगर हम लोग मोमेंट समझने की अगर हम लोग बात करते हैं यूरो यूएसडी के लिए तो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से तो ये मार्केट जो है देखो पहले आपका ये ऑलरेडी जो लेवल है ये ब्रेक हो चुका है ठीक है ये एक अच्छा सा लेवल था यहाँ पे आप ये देखो और ये जो लेवल ब्रेक हुआ है वो भी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग uh, कैंडल से ब्रेक हुआ है ठीक है ये जो लेवल था स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस uh, लेवल था ये जो है पूरा ब्रेक हुआ है और ये जो कैंडल आप ये देखो ये कैंडल बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है इसने ब्रेक किया ठीक है उसके बाद में इसने इसको नीचे का कन्फर्मेशन भी दिया है कैंडल से ठीक अब नेक्स्ट क्या हो सकता है मार्केट ये yeah, एक केस तो इसका ये है कि मार्केट जो है डायरेक्टली आप जो है इस तरह से धीरे धीरे करते हुए ये सेल आ, सेल करके आ जाए और इस लेवल तक का वो अपना रीच कर ले जो कि इसका टारगेट होना चाहिए ठीक है या जो होता है हम लोग ये बोल सकते हैं ठीक है ठीके? अच्छा दूसरा जो इसका सीनियर जो सीनरियो बनता है दोस्तों वो ये बन बनता है कि मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया ब्रेक करने के बाद में ये जो है पहले थोड़ा सा रिटेस्ट करे ऊपर आएगा ठीक है ना ये अब मार्केट ऊपर आएगा पहले ठीक है ये ऊपर में आएगा और यहाँ पे आने के बाद में मार्केट फिर से जो है ये सेल आना स्टार्ट कर देगा इस तरह से सेल आना स्टार्ट करेगा उसके बाद में फिर ये जो है आपका लेवल जो टारगेट है वो इसका हिट करेगा ठीक है ये इसका सेकेंड सिनेरियो हो गया थर्ड सिनेरियो क्या है दोस्तों मार्केट अगर इस लेवल यहाँ पे आने के बाद में ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ यहाँ पे आने के बाद में मार्केट अगर कोई बियरिश कैंडल या अच्छी रिवर्सल कैंडल या अच्छा कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं देता है यहाँ पे तो इसको आपको एंट्री नहीं करना है हम लोगों ने यहाँ पे इसको टी पी वन बुक कर दिया है ऑलरेडी अपना हम लोगों ने बुक कर लिया था ठीक है तो अभी मार्केट जो है अगर यहाँ पे हमको बियरिस्ट प्रेजेंस नहीं दिखाता है मार्केट तो उसको जो है आपको एंट्री नहीं करना है हमेशा ध्यान रखिए ठीक है इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है हमेशा तो अब इसका थर्ड सिनेरियो दोस्तों क्या बनता है थर्ड सिनेरियो अब ये इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत कम है यानी कि ये जो अभी जो थर्ड सिनेरियो है इसकी पॉसिबिलिटी मान के चलो कि केवल ट्वेंटी परसेंट है ठीक है अभी ट्वेंटी परसेंट जो इसका ये सीनरियो है उसमें क्या आता है ये हम मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं इससे जो ट्वेंटी परसेंट का सीनैरियो है कि मार्केट जो है वो यहाँ से जो मुड़ रहा है मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाएगा और ये लेवल को इस तरह से जो है ब्रेक कर देगा ठीक है अब अगर ये ब्रेकिंग जो है बड़ी स्ट्रांग कैंडल के साथ में होती है और इसको कन्फर्मेशन कैंडल भी एक मिलती है तो उसके बाद में ये जो है ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था ये जो रेंज लेवल था मार्केट इसको तोड़ेगी और अगर इसको तोड़ेगी तो आप ये समझ के चलिए कि ये जो लेवल है ये बड़ी आ, बड़े ही टाइम मतलब कि बहुत काफ़ी टाइम से ये जो है जुड़ा जो हुआ है अगर आप इसको देखोगे तो बहुत लॉन्ग टाइम से ये जो है इसी लेवल पे मार्केट जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है ठीक है आप इसका पीछे का मार्केट देखो तो आपको तो दिखाई पड़ेगा कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे यही लेवल जो है काउंट हो रहा है अब अगर ये लेवल मार्केट तोड़ता है तो ये तोड़ने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा एफिशियंसी चाहिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए ठीक है तो ये जो है यहाँ पर जो अगर कैंडल जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसको अगर मार्केट बनाता है तो हम वहाँ से समझ सकते हैं कि भाई अच्छा ठीक है ये मार्केट जो है लेवल अपना ब्रेक करेगा अभी अगर ब्रेक है ब्रेक करने के बाद में उसको आप नीचे आने दीजिए ठीक है नीचे आने दीजिए और ये इस लेवल पे इसका रिएक्शन देखिए ठीक है थीके? मार्केट जो है इस लेवल पे कैसा रिएक्शन देता है अब जैसा भी अगर इस पे इसने रिएक्शन दिया है तो उसके साथ में के साथ में में के आप यहां से इसको बाई कर सकते हैं आराम से और जहां तक मार्केट ने पिछली बार टीपी दिया था वहां तक इसको आप टीपी इसको दे दीजिएगा ठीक है और बाकी दूसरा जो है अगर मार्केट नीचे आता है यानी कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा बुलिश कंफर्मेशन नहीं दिया है तो उसको आप छोड़ दीजिए ठीक है नीचे आने दीजिए नीचे आ दीजिए अगर यहाँ पे फिर बेरिश का आ, सीजन देता है तो यहाँ पे हालांकि मेरे हिसाब से इसका यहाँ पर एंट्री करना अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों ठीक है अगर इसने मार्केट को फिर से इसने नीचे की तरफ डाउन कर दिया तो मैं इसमें फिर एंट्री नहीं लेता हूँ क्योंकि वो फिर बड़ा ही कन्फ्यूजिंग केस बन जाता है मार्केट का ठीक है क्योंकि हम यहाँ पर फिर एग्जैक्ट ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं या एग्जैक्ट एनालिसिस ये नहीं कर सकते हैं कि भाई मार्केट अब कहाँ से ऊपर चल जाएगा या कहाँ से नीचे आ जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पर अगर इसने बुलिस दिया तो हम इसको बाइक के लिए जरूर सोच सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पर इसने बरिश करके इस लेवल पर अपना मूड दिखाया तो हम लोग इसको सेल करने के लिए नहीं सोचेंगे ठीक है क्योंकि वो बड़ा तो मार्केटिंग के लिए तो थोड़ा सा आपको और आसानी हो जाएगा ठीक है अब ये देखिए मार्केट ये जो है हम लोग का पूरा था इस तरह से पूरा सिस्टम था अब हमने इसको थोड़ा सा जूम किया ठीक है बड़ा कर दिया और बड़ा करने के बाद में जो हम लोग का नेक्स्ट मूवमेंट जो पॉसिबल मूव है यूएसडी के लिए वो मुझे जो लगता है वो ये होना चाहिए मैं यहाँ से एक ले रहा हूँ शेप ड्रॉ करने के लिए चलिए मैं पेन लेता हूँ या चलिए पेन लेता हूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ठीक है तो एक तो ये है कि ये जो है इधर यहाँ तक जाएगा यहाँ तक जाने के बाद में फिर ये जो है आपका ये लेबल को टारगेट करेगा ठीक है ये लेबल को टारगेट करेगा ठीक है दूसरा जिसका केस है वो यहाँ से डायरेक्टली जो है ये नीचे आ सकता है ठीक है और जो इसका तीसरा केस है जो तीसरा केस है वो ये है कि भाई अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्गली इसको इस लेवल को ब्रेक करता है देन यहाँ से ये इसके बाद में यहाँ पे हम इसका अच्छा कैंडल देखेंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल का रिएक्शन देखेंगे इसी लेवल पे ठीक है और अच्छा अगर देता है विद कन्फर्मेशन कैंडल देता है तो इसको हम लोग फिर इस लेवल के लिए जितना भी ये ऊपर जाएगा वहाँ तक इसका हम टी जो है सेट करके छोड़ देंगे ठीक है तो ये हम लोग का यूनिवर्सिटी का पूरा सिनोरी है तो हम लोग को फिलहाल इसके लिए वेट करना है अभी इस जगह पे आपका कोई भी एंट्री नहीं बन रहा है ठीक है इस जगह पे एंट्री था तो वो हमने आप लोग ऑलरेडी करवा दिया था ठीक है अब इस लेवल पर कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर केवल जो है यहाँ पे वेट एंड वॉच वाला केस है ठीक है इसको आप यहाँ पर पहले आने दो और अगर आपको जो भी अगर एंट्री आप सोच रहे हो यूनिवर्सिटी में तो आप यहाँ से सोचो ठीक है क्योंकि आप सपोज़ करो कि अगर आप यहाँ से एंट्री कोई लेते भी हो सल का तो आप एक बार आप इसका स्टॉप इस लॉस देखो आपका कितना लंबा जाएगा ठीक है वो लगभग वन एज टू वन वन पॉइंट फाइव का इसके लेकर कोई फायदा नहीं है ठीक है तो कम से कम वन एज टू वन एज थ्री वन इज टू फाइव को होना चाहिए है ना तो आप इसको देखो आप अगर यहाँ पर आता है मार्केट यहाँ से आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा छोटा सा हो जाएगा और टीपी आपके बड़ी लंबी से हो जाएगी है ना तो हमेशा कोशिश हमेशा हमारी ये होनी चाहिए हम लोग की होनी चाहिए कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा से छोटा हो और टी पी जो हमारा बड़ा से बड़ा हो ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है काफ़ी कुछ आ गया होगा इसमें कि किस तरह से हमें एक्शन प्लान है हमारे यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ में हमारे नल्स को शेयर करिए हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है उसको जो है ज्वाइन करिए वहाँ पे हमारे फ्री सिग्नल्स भी आते हैं फ्री एजुकेशन मटेरियल भी आपको मिलते हैं और जो लोग भी चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने तो उसके लिए भी हमारा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको हम लोग लाइव ट्रेड्स करवाते हैं उनसे ही हम लोग लाइव एनालिसिस करवाते हैं और उनको हम लोग एशोर्ड सक्सेस देते हैं Uh, after the training you care, you will be able to make 5 to 20 percent per month ठीक है तो इन सब के लिए हमारा lifetime VIP group signals भी उनको मिलते हैं प्लस उनको लाइव जो है ट्रेड्स करते हैं वो खुद करते हैं और वो खुद ही हम लोग सिग्नल देते हैं ग्रुप में हम लोग का स्टूडेंट्स के लिए एक अलग सा डिस्कशन ग्रुप है जिसमें सारे स्टूडेंट्स अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं हर एक चार्ट पे हर एक पेयर पे ठीक है तो इस तरह से सारी चीज़ें जब आप लाइव करोगे अपने स्टूडेंट्स के लिए उनके साथ में मिलके तो उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है हर एक मिस्टेक से जो भी होता है हम लोग उस पर सीखने की बच्चों को सिखाने की बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं है ना तो ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया है प्लीज़ uh, हमारे वीडियोज़ को uh, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस एजुकेशन हमारे फ्री एजुकेशन का जो है uh, उसका लुफ्त उठा पाएँ एंजॉय कर पाएँ ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बाय